दिन पांचवा, दावणगिरी से हिरियोर। 5:30 बज गए थे और हमारी तैयारी हो गई थी। यात्री लॉज को अलविदा करके हमने हमारी सफर की शुरुआत की। अब 6:30 बज गए थे और सूर्य की हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। आज सूर्योदय सामने ही होने वाला था, इसलिए हमारे दोनों में मुकाबला चल रहा था कि कौन आगे जाकर सूर्य को कैमरा में कैद करेगा। आखिरकार सूर्य के दर्शन हो गए और हम दोनों ने हमारे कैमरा में उसकी तस्वीर खींच ली कि रोशनी सीधा हमारे मुंह पर आ रही थी, मानो कि वह हमारे साथ लाल रंग की होली खेल रहा हो। सुबह के 7 बज गए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सब जगह सूर्य की किरणें फैल चुके थे। ये सारा दृश्य बड़ा आनंददायक लग रहा था। मन ही मन गाना गुनगुना के हमारा सफर चल रहा था। लगभग 25 किलोमीटर का सफल हुआ था और अब चित्रदुर्ग शहर 39 किलोमीटर दूर था। चारों ओर हमें हरे भरे खेत नजर आ रहे थे और उसके साथ नारियल की खेती भी दिखाई देने लगी थी। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य है। साढ़े 9 बज चुके थे और हमें बहुत भूख लगी थी। हम नाश्ते के लिए होटल देख रहे थे। होटल देखते देखते हम चित्रदुर्ग शहर की तरफ जा रहे थे। अब हम लगभग 3-4 किलोमीटर हाईवे को छोड़ दिया कर अंदर आ गए। कुछ देर आगे चलने के बाद हमें कृष्णा भवन वेज होटल मिल गया, जहां पर हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हम सीधा चल पड़े चित्रदुर्ग फोर्ट देखने। तीन से 4 किलोमीटर के सफर के बाद हम चित्रदुर्ग फोर्ट के पास आ गए। चित्रदुर्ग एक लगभग अभेद्य किला जो चट्टानों पर बना है। चित्रदुर्ग किला अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। किले में कई प्रवेश द्वार, अदृश्य मार्ग, पानी के टैंक और निगरानी टॉवर है। किले के भीतर कई मंदिर भी बनाए गए थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध हिडिंबेश्वर मंदिर, वेणुगोपाल स्वामी मंदिर और देवी एकांतेश्वरी के स्थानीय देवता हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक आलीशान एकाश्मिक खंभा
और दो झूले के चौखटे स्थित हैं। किले में बहुत सारे बंदर हैं। वे लोगों के हाथों से चीजें खींचकर खाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें अपने पास मौजूद बादाम देकर संतुष्ट किया। वहां मुझे ज्योतिराज से मिलने का मौका मिला, जो कि इंडियन स्पाइडरमैन के नाम से जाने जाते हैं। उनके पास कठिन दीवारों पर चढ़ने का कौशल है। हमें भूख लगी थी, इसलिए हमने केले खरीद रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने हमें कहा कि पास ही पहाड़ी पर हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर है। फिर हम साइकिल चलाते हुए उस पहाड़ी पर गए और कुछ देर बाद मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर जाकर दर्शन कर लिए। मंदिर के पुजारी और अन्य कर्मचारी साथ बातचीत करके तस्वीरें ली और दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे हम केले खाने बैठ गए। केले से हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम फिर खाना खाने एक वेज होटल में रुक गए। वह हमारी मुलाकात हमारे महाराष्ट्र के लोगों से हो गई। यूर शहर पहुंचे। अब थोड़ा अंधेरा होने लगा था। पास ही हमें अनिल कंफर्ट्स लॉज मिला। चित्रदुर्गा फोर्ट देखने में हमारा ज्यादा समय गया था, इसलिए हमने आज का सफर यहीं पर समाप्त करने का तय किया। इसके साथ हमारा पांचवा दिन 105 किलोमीटर का साइकिल सफर तय करके समाप्त हुआ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही बाकी सफर के दिलचस्प वीडियो अपलोड करेंगे।